नमस्कार दोस्तों। तो मंडे को क्वार्टर फोर का रिजल्ट आने वाला है, और रिजल्ट अगर थोड़ा सा भी अच्छा हो गया तो ये स्टॉक अभी 700-800 के प्राइस पे चल रहा है, और वहाँ से 5000 की उड़ान शुरू कर देगा। बहुत मल्टीबैगल स्टॉक बन जाएगा। सेमीकंडक्टर में डील करता है एक्चुअली में, एआई में भी थोड़ा वो डील करता है, और टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। देखिए, मार्च क्वार्टर में पिछले साल 305 करोड़ का रेवेन्यू था, रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में 553 करोड़ था, तो रेवेन्यू में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्टेड कितनी है, करीबन करीबन 600 करोड़ तक का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है। यहाँ से देखिए, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये याद रखना होगा आपको, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है, पब्लिक की शेयर होल्डिंग 0.6% पिछले दो क्वार्टर में कम हुई है। धीरे धीरे पब्लिक की शेयर होल्डिंग कम होती है, जहां कम होती है एफआईज माल उठा रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली एफआईज माल उठा रहे हैं। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। 5 करोड़ का लॉस था इसका पिछले साल मार्च क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में 50 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू बढ़ रहा है, साथ में इसका लॉस भी वाइडन होता जा रहा है, तो अब इस लॉस को कम करने की जरूरत है। अगर लॉस कम हो गया तो यहाँ से 2x 3x तो इसको कभी भी हो जाएगा। नाम क्या है, तेजस नेटवर्क। 22 अप्रैल को रिजल्ट है, रिजल्ट्स में नजर रखिएगा। अगर रिजल्ट अच्छे आ गए, पॉजिटिव आ गया, प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी आ गई, ध्यान रखिएगा यहाँ से 2x 3x तो कभी भी हो सकता है। देखिए, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पर आपको याद रखना होगा, जब लॉस मेकिंग कंपनी और इसका प्रमोटर इतना अच्छा हो, अगर वो बन जाती है, तो तेजस नेटवर्क जैसी कंपनी 778-776 के प्राइस पर चल रही है, बहुत अच्छा रेट है दोस्तों।